शाजी के नुस्खे। ई भिंडी बना रहे हो आप? निशा भाभी, हम ना ये भिंडी विंडी नहीं खाने वाले। क्यों? हम तो सिर्फ दाल खाएंगे। और अम्मा को भी समझा देना कि हमें लेक्चर ना देने लगे। ठीक है, तो हम अम्मा को बता देंगे कि सरू आज भिंडी जरूर खाएगी, और वो भी चाव से। अच्छा, तो कोई नया तरीका निकाला है क्या ये भिंडी खिलाने का? हाँ, आज हम तुम्हें चटपटी और कुरकुरी भिंडी खिलाएंगे। कुरकुरी भिंडी के लिए ले 500 ग्राम भिंडी, 2 बड़े चम्मच बेसन, आधा चम्मच जीरा पाउडर, लाल मिर्च, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, नमक और तेल। भिंडी को पतली पतली धारियों में काट लें। अब एक बर्तन में बेसन, जीरा, लाल मिर्च, आमचूर, चाट मसाला और नमक मिला लें और फिर भिंडी डाल के मसाले में अच्छे से लपेट लें। गरम गरम तेल में अब भिंडी पका लें, आंच मध्यम रखें। कुरकुरी भिंडी तैयार है, चख के देखो। बहुत टेस्टी है। निशा भाभी, आप तो लाजवाब हो। सरू, तुम्हारे लिए भी एक काम की बात है भिंडी में। इससे आपके बालों में बहुत अच्छी चमक आ सकती है। इसे हम कंडीशनर बना सकते हैं। बालों में चमक भिंडी से? क्या बात कर रही हो भाभी। भिंडी को पानी में उबाल लें, जब तक पानी गाढ़ा ना हो जाए। थोड़ा ठंडा होने पर छान कर ये पानी डाल दें। इसमें नारियल का तेल और शहद मिलाकर चला लें। कंडीशनर तैयार है। बाल धोने के बाद बालों में लगाओ और फिर 1 मिनट बाद धो दो। हमें तो लगा था कि भिंडी से सिर्फ सब्जी बनती है। सब्जियों की खास बात ही ये है कि उन्हें जो भी रूप में ढालो वो ढल जाती है और लगती भी है एकदम स्वादिष्ट। अगर सब्जियों की जानकारी हो तो वो आपको अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं। निशा जी के नुस्खे। आहा।